सभी के लिए फ्रेंड हिंदी की आज एक सामान्य हिंदी की आज एक नई सीरीज हम प्रारंभ कर रहे हैं जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बनाया गया है। यह क्लास जितनी परीक्षाएं आपकी होगी है यानी सभी के लिए सामान्य हिंदी की बेहद महत्वपूर्ण पोर्शन को हम एक एक करके कवर करने वाले हैं। फ्रेंड ये क्लास आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, तो सभी सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो को शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथी हमारे साथ जुड़कर इस लाइव क्लास का आनंद ले सकें। यहाँ से फ्रेंड आपको आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं में निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा, इसलिए सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में साथी लाइव क्लास से जुड़ें और वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करेंगे। क्लास को प्रारंभ करते हैं फ्रेंड। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा कि वृद्धि शब्द का विलोम है। जी हाँ, वृद्धि शब्द का विलोम है। एक मिनट थोड़ा रुकिए, इसको देखिए। चलिए आप सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए जाए, जितने भी साथी लाइव वीडियो है क्लास में सभी साथी फटाफट वीडियो को शेयर करेंगे। जितने भी साथी हैं लाइव जल्दी से आ जाइए। क्लास आपकी आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं को देखते हुए हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण सामान्य हिंदी की एक महत्वपूर्ण क्लास है। तो आपको करना क्या है फ्रेंड, वीडियो को खाली शेयर करना है बस सभी साथियों तक। जैसे जैसे आप लोग जुड़ रहे हैं वीडियो को शेयर करिएगा। आज ये हिंदी सामान्य हिंदी की पहली क्लास है, तो आप सभी लोग वीडियो को फटाफट शेयर करेंगे सभी साथियों तक क्लास पहुंच पाए। चलिए फ्रेंड पहला क्वेश्चन हमारा वृद्धि का विलोम शब्द है। जी हाँ, वृद्धि का विलोम शब्द है। अति वृद्धि, अवृद्धि, कर्म वृद्धि या क्षय। तो देखिए भैया बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप आप सभी के आंसर इसके लिए बिल्कुल सही होंगे। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करना शुरू करिए आप सभी लोग। आप सभी लोग अपनी तैयारी को इस क्लास से और भी बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको निश्चित तौर पर मदद मिलने वाली है। तो जितने भी साथी ने अपनी तैयारी लगभग कंप्लीट कर चुकी है, आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से सामान्य हिंदी के कोर्स को कंप्लीट कर लिया है, तो अपनी तैयारी यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अभी बेहतर बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए सभी साथी कमेंट सेक्शन में अपने अपने आंसर कमेंट करके बताएंगे कि वृद्धि का विलोम क्या है। अतिवृद्धि होगा नहीं, अवृद्धि होगा नहीं, कम वृद्धि होगा नहीं, क्षय इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वृद्धि का विलोम क्या हो जाएगा? क्षय। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, क्षय का मतलब होता है कम होना। इसलिए जो सही जवाब होगा फ्रेंड होगा डी, विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। सभी साथी क्वेश्चन के लिए जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने आंसर कमेंट करिएगा प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। तुरंत थोड़ा सा तेज हम करेंगे, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन हमको कवर करना है, थोड़ा सा तेज चलेंगे क्लास को। तब सभी साथी फटाफट अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। अगला क्वेश्चन है बलराम का पर्यायवाची। जी हाँ, बलराम का पर्यायवाची होगा बलभद्र, प्रजापति, यशस्वी या बलवाहक। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए फ्रेंड कि बलराम का पर्यायवाची है। जल्दी से बताएं बलराम का पर्यायवाची क्या है। बलभद्र होगा, प्रजापति होगा, यशस्वी होगा या बलवाहक होगा। बलराम, जी हाँ, श्री कृष्ण के भाई बलराम की बात हो रही है। बलराम का मतलब होता है कि जो अत्यधिक बलवान हो, बलिष्ठ हो। इसका मतलब यहाँ पर विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बलभद्र इज राइट आंसर। बलभद्र इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है कि बलराम का पर्यायवाची बलभद्र होगा। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आप सभी लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जैसे जैसे जुड़ रहे हैं आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए सभी साथी कमेंट सेक्शन में अपने अपने आंसर जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि ये क्लास आप सभी को फ्रेंड निश्चित तौर पर परीक्षा में मदद पहुँचाएगी। इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ क्लास को आगे लेकर चल रहे हैं और सभी साथी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न हिंदी शब्द कोश में छह का क्रम किस वर्ण के पहले आता है। जी हाँ फ्रेंड, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सामान्यतः वर्णमाला पर आधारित क्वेश्चन है कि छह का क्रम किस वर्ण के पहले आता है। क के, छह के, त्र के या ज्ञ के। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप आप सभी के जवाब बिल्कुल सही होंगे। बिल्कुल सही होंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड। कह रहा है हिंदी शब्द कोश में छह का क्रम किस वर्ण के पहले आता है, मतलब किस वर्ण के पहले आता है। सिंपल सी बात था कि जब ख मिलकर जो बना है, किससे मिलकर बना है, क प्लस श से मिलकर बना है छ। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए सी सी आंसर कमेंट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेंड, क और श, इसका जो सही जवाब फ्रेंड होगा वो क। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब फ्रेंड। ये इस तरीके से पूछा जा रहा है कि जो वर्णमाला है, मतलब क्रम किस वर्ण का है, क्या के पहले, मतलब पहला जो आता है वो क्या आता है। तो इसलिए विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ए इज राइट आंसर, ए इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन होते हैं? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए सभी साथियों के जवाब 100% सही होंगे। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन होंगे? आप उनका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं। जी हाँ, हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं। यहाँ जैसे छः का आप, छः एक संयुक्त व्यंजन है,
जो क प्लस त से मिलकर बना हुआ है, तो उसे पूछा जा रहा है कि पहला क्रम से पहला व्यंजन कौन होता है, तो क के पश्चात जो छ मिलने पर ही छ बना है, एक संयुक्त व्यंजन है, इस प्रकार से उसका जो पहला वर्ड हो जाएगा वह आपका हो जाएगा क। यहाँ विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है कि हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन होते हैं। जी हाँ, 33 व्यंजन होते हैं और कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। कुल वर्णों की संख्या प्रण 52 होती है, जिसमें 33 आपके व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, द्वित व्यंजन होते हैं और स्वर को मिलाकर जो है कुल 33 बनती है संख्या। इसलिए याद रखिए कुल वर्णों की संख्या 52 और जिसमें कितने होते हैं, जिसमें स्वर होते हैं आपके, सॉरी व्यंजन होते हैं 33 और स्वर होते हैं 11। जी हाँ, 11। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है, चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। जी हाँ फ्रेंड, चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यमक है, उपमा है, अनुप्रास है या श्लेष है। बिल्कुल सिंपल था ये भी क्वेश्चन है फ्रेंड, फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 के लिए अपने आंसर कमेंट करिएगा कि चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में कौन सा अलंकार है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। चारुचंद की चंचल किरणें, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताएंगे। देखिए च च च मतलब च वर्ण की आवृत्ति क्रम है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। जी हाँ फ्रेंड, च वर्ण की आवृत्ति क्रम हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। विकल्प नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। तो शब्द अलंकार का जो भेद होता है अनुप्रास, यमक, श्लेष, उसी का यह विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द में सर्वनाम का कौन सा भेद है, निजीवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक या संबंधवाचक। उसने, जी हाँ, उसने पत्र लिखा में उसने किस प्रकार का सर्वनाम है, निजीवाचक है, पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आप सभी के जवाब जी हाँ, आप सभी के जवाब बिल्कुल सही हैं। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताइए कि उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द में सर्वनाम का भेद है। फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए भाई, उसने पत्र लिखा, देखिए उसने पत्र लिखा में उसने जो है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है, विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 20 द राइट आंसर, उसने पत्र लिखा विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, पुरुष। अगला क्वेश्चन, अधिकरण कारक के चिन्ह है, अधिकरण कारक के चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए के द्वारा अधिकरण में पर, जी हाँ, अधिकरण में पर संबोधन हे हो अरे, अधिकरण में पर संबोधन हे हो अरे। तो अधिकरण में पर बात हो रही है, तो अधिकरण, इसलिए विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं एक एक करके। अधिकरण कारक में पर विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी द राइट आंसर, अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है फ्रेंड होता है में और पर। आगे बढ़ेंगे, बेमेल शब्द का चयन करना है, मतलब 3 एक जैसे शब्द हैं, एक शब्द का अर्थ यहाँ पर अलग अलग है, उसी का चयन करना है। आभूषण, अलंकार, जेवर, नागर। बिल्कुल सिंपल सा यह भी क्वेश्चन है फ्रेंड, आप सभी के जवाब सही होने चाहिए क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आभूषण, अलंकार, जेवर, इन सभी का समान अर्थ है। जो गलत है फ्रेंड वह है विकल्प नंबर डी, नागर यहाँ पर बेमेल शब्द है, बेमेल अर्थ वाला शब्द है, बाकी तीनों शब्द का अर्थ एक ही होगा। विकल्प नंबर, जी हाँ, विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, कवित्री या कवित्री। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाला फ्रेंड है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है आपसे, इसलिए आप सभी लोग ध्यान से इसका आंसर बिल्कुल सही कमेंट करेंगे कि यहाँ पर कवित्री कौन सा शुद्ध लिखा है वह सही आपको बताना है। जी हाँ, कवि का स्त्रीलिंग कौन सा यहाँ पर सही है, कवि का स्त्रीलिंग कौन सा यहाँ पर सही है। तो बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, आप सभी लोग डाउट फिर से क्लियर कर लीजिएगा, कवित्री इज द राइट आंसर, कवित्री विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर शुद्ध जो लिखा है फ्रेंड वह कवित्री होता है, कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है, न कि कवित्री होता है, इसलिए विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला, कपाट तद्भव शब्द है, कपाट तद्भव शब्द है किसका, कपड़ा का, किवाड़ का, काटा का या कमर का। बिल्कुल सिंपल सा यह भी क्वेश्चन फ्रेंड, कपाट तद्भव शब्द है, कपाट किसका शब्द शब्द है भैया, कपड़ा का है, किवाड़ का है, काटा का है, कमर का है। फटाफट आंसर बताएंगे जल्दी से, कपाट किसका शब्द है।
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किवाड़ जो लोग कमेंट करें उनके जवाब दीजिए भैया। किवाड़ का तद्भव तब होता है कपाट। किवाड़ का तद्भव तब होता है कपाट, विकल्प नंबर जी हाँ। कपड़ा नहीं होगा, कपड़ा खुद ही एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द होता है कर्पट। जी हाँ, कपड़ा एक खुद ही आपका तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द होता है कर्पट। विकल्प नंबर जी हाँ, विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहते हैं। ये भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, अनेक वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग है। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहते हैं, अज्ञान बाहु, अजान बाहु, सम बाहु या विषम बाहु। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे एक शब्द में हम क्या कहते हैं, अजान बाहु कहते हैं, अजान बाहु कहते हैं, सम बाहु या विषम बाहु। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सम बाहु तो होगा नहीं, विषम बाहु होगा नहीं, इन दो में से आपको आंसर कमेंट करके बताना है। जी हाँ, घुटना को कहते हैं जानू, घुटना को संस्कृत में कहते हैं जानू, तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा अजानुबाहु होगा। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो तो उसे अजानुबाहु कहते हैं। विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। एक बार सभी लोग पुनः वीडियो को शेयर कर देंगे, सभी साथी अपने सभी ग्रुपों में सभी साथियों तक वीडियो को शेयर कर देंगे, क्योंकि संख्या आप लोगों की बहुत कम है। यह क्लास फ्रेंड आगामी भर्ती परीक्षाओं को देखते हुए सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, अपनी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइएगा, यह क्लास तभी और अच्छे तरीके से चलेगी आपकी। आगे बढ़िए, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है, अनवेधन तण, अनधन वेषण, अनुधन वेषण या अनुधन एषण। जल्दी से बताइएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन फ्रेंड, आप सभी के जवाब इसके लिए बिल्कुल सही होने चाहिए। अन्वेषण जी हाँ, अन्वेषण में का संधि विच्छेद कौन सा सही है, अनुवेशन का संधि विच्छेद कौन सा सही है। गुड़ संधि है यहाँ पर, जी हाँ, जो संधि प्रयुक्त हुई फ्रेंड वह गुड़ प्रयुक्त हुई है। अब आपको बताना है कौन सा बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, डी वाले जो साथी हैं उन सभी के जवाब बिल्कुल सही हैं। अनुधन एषण, ऊ प्लस ए मिलकर ए हो गया है, तो अनुवेशन बिल्कुल नंबर, अनुधन एषण इज द राइट आंसर। गुड़ संधि यहाँ पर प्रयुक्त हुई है, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर, डी फॉर डेनमार्क इसका बिल्कुल नंबर सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, स्पेस पीकर कोयल अपने स्पेस में जाकर बैठ गई। जी हाँ, मतलब क्या पीकर कोयल अपने जो है, दो शब्द यहाँ पर दोनों बढ़ के मतलब आपको भरना है। सिंपल सी बात है फ्रेंड, देखिए नीर मतलब घोंसला होता है, नीर मतलब पानी होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा नीर और नीर, या नीर और नीर विकल्प नंबर 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि नीर मतलब जल, नीर पीकर कोयल अपने नीर में जाकर बैठ गई, मतलब नीर मतलब होता है जल और नीर मतलब होता है घोंसला, इसलिए आप समझ रहे हो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नवग्रह के समास में, नवग्रह शब्द में समास भेद बताना है, द्वंद्व समास होगा, कर्मधार है, द्विगु या तत्पुरुष। नवग्रह में प्रथम पद संख्यावाची है, जो नव है वह संख्यावाची है, अर्थात जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास की संख्या देते हैं, जिससे विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी द राइट आंसर, द्विगु समास होगा, नवग्रह का समूह मतलब द्विगु समास, विकल्प नंबर सी द राइट आंसर। आगे, छंद से संबंधित गणों की संख्या सही संख्या है, छंद से संबंधित गणों की सही संख्या है 6, 7, 8, 10। यहाँ कितने गण होते हैं फ्रेंड, आंसर कमेंट करके बताइए कि गणों की संख्या कितनी होती है, छंद में गण कितने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए सभी साथी कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे, क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या है, यहाँ गणों की संख्या कितनी होती है। बहुत बढ़िया, सी कमेंट करने वाले साथी के जवाब सही है भैया कि गणों की संख्या 8 होती है। बहुत बढ़िया, छंद में गणों की सही संख्या 8 होती है, जी हाँ 8 इज द राइट आंसर, विकल्प नंबर 8 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अपहरण में उपसर्ग प्रयोग हुआ है, अपहरण में उपसर्ग प्रयोग हुआ है, आओ, अप या अनु, जल्दी से बताइएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। अपहरण में जो उपसर्ग प्रयोग हुआ कौन सा है, उपसर्ग की बात हुई है तो ये शब्द वे मतलब शब्दांत जो शब्दों के पूर्व जोड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। यदि अपहरण को आप तोड़ेंगे तो अपहरण जो बना है फ्रेंड वो किससे बना है, मिलकर अपधन अरण से, जी हाँ अपधन हरण से मिलकर बना है अपहरण, इसलिए विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अपहरण में जो उपसर्ग प्रयुक्त हुआ पंडुआ है अप, विकल्प नंबर 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अपहरण में अप उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। आगे बढ़ेंगे, मधुशाला के लेखक है भैया, मधुशाला मधुकलश, मधुशाला मधुकलश, उसके बाद निशान निमंत्रण, इन सारी जो रचनाएं हैं इसको फ्रेंड हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। नीर का निर्माण फिर
ये सारी जो रचनाएं फ्रेंड यह हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। मधुशाला मधुबाला मधुकलत, जी हाँ, मधुशाला मधुबाला मधुकलत और निशा निमंत्रण नीर का निर्माण फिर ये सारी जो रचनाएं फ्रेंड यह हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है। इसलिए विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, सी इज द राइट आंसर। विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। सरस्वती स्तर पहला सरस्वती सम्मान फ्रेंड हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। जी हाँ फ्रेंड, पहला सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। यह भी क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं। पहला सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था और तीसरा जो सरस्वती सम्मान है वह शरद कुमार पगारे को दिया गया है। इतना भी आइडिया आप रख सकते हैं। कुछ अलग क्वेश्चन है, उसको भी जानकारी आप रखते रहिएगा। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है क्या भूलू क्या याद करूँ, इसकी भी जानकारी रखिएगा। क्या भूलू क्या याद करूँ हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। विकल्प नंबर 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द का अंत, अंत, अस या अस। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, आई होप आप सभी के जवाब सही होंगे कि निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द सब बताना है आपको। आई होप आप सभी के जवाब बिल्कुल सही होने चाहिए क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बी द राइट आंसर। बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, बी इज द राइट आंसर। अंश इसका बिल्कुल सही जवाब है। अंश इज द राइट आंसर। अंश यहाँ पर तत्सम शब्द है, बाकी सारे आपके तद्भव हैं। अगला, खोदा पहाड़ निकली चुहिया मुहावरे का सही अर्थ क्या है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया मुहावरे का सही अर्थ क्या है। पहाड़ खोद कर चुहिया निकालना, कम परिश्रम लाभ थोड़ा, बहुत परिश्रम बहुत लाभ, बहुत परिश्रम बहुत लाभ बहुत थोड़ा ही। जी हाँ, बहुत थोड़ा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। आप सभी के जवाब बिल्कुल सही होंगे भाई, क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। खोदा पहाड़ निकली चुहिया मतलब क्या है, बहुत सारा परिश्रम कर देना है और लाभ बिल्कुल नाम मात्रा में हो, लाभ बिल्कुल नाम मात्रा में हो। जी हाँ, विकल्प नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका बिल्कुल सही जवाब है कि बहुत परिश्रम में थोड़ा सा लाभ होना, इसी को कहते हैं कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। इसीलिए विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वीडियो को एक बार शेयर करिएगा सभी लोग। यामा, जी हाँ, यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। जी हाँ, यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है फ्रेंड, नाम याद रखिएगा, महादेवी वर्मा। यामा की जो रचयिता है फ्रेंड, यह महादेवी वर्मा हैं और इस रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो विकल्प नंबर 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यामा की जो रचयिता है फ्रेंड वह महादेवी वर्मा हैं। आगे, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करना है। तीन प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इसमें से हमें संयुक्त वाक्य का चयन करना है। काम समाप्त करो और जाओ, उसने गलत करके अपयश कमाया, यदि काम पूरा करोगे तो जुर्माना होगा, का पानी न बरसने पर सूखा पड़ गया। तो भैया देखिए, संयुक्त मतलब होता है कि जहाँ पर दो वाक्यों को आपस में जोड़ा गया, एक मुख्य वाक्य और एक आश्रित वाक्य को आपस में जोड़ने का कार्य जहाँ पर हो वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। तो आसानी से आप देखिएगा कि काम समाप्त करो और यहाँ पर योजक शब्द जुड़ा हुआ है, इसका मतलब विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। काम समाप्त करो और घर जाओ का मतलब यहाँ पर और जो शब्द जुड़ा है संयुक्त वाक्य को दिखा रहा है, विकल्प नंबर ए इसलिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, हिंदी भाषा किस लिपि से ली गई है या हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, गुरुमुखी में तो पंजाबी, ब्राह्मी, सौराष्ट्री, ये दो विकल्प में से आपको आंसर कमेंट करके बताना है कि हिंदी किस भाषा में लिखी जाती है। तो आप सभी को पता है हिंदी की लिपि क्या है, हिंदी की लिपि है देवनागरी। तो यहाँ पर विकल्प कोई नहीं है, तो विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। न तो ब्राह्मी है, न तो खरोष्ठी है, न तो गुरुमुखी है, पंजाबी का गुरुमुखी इतना जानते रहिएगा। हिंदी जो लिपि है फ्रेंड वह है देवनागरी, जी हाँ, देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। तो विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नीचे गए देखिए, वाक्य पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या में दी गई है। इनके बीच आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर यह रह लवा की संख्या दी गई है, इसको बताना है थोड़ा सा। चलिए, 4 भाग है। अगला क्वेश्चन है, उचित क्रम में नहीं है, ध्यान में पढ़कर विकल्पों का चुनाव करके हमको उचित ढंग, मतलब इस प्रकार के अधूरे वाक्य दिए गए हैं, विकल्प के सहारे इनको सही वाक्य में कन्वर्ट करना है। सकारात्मक सोच, सार्थक ही सार्थक है, ही जीवन है, सफलता और सफलता है, सही सार्थकता है। जी हाँ, मतलब सकारात्मक सोच के बाद सही क्रम को दर्शाना है कि क्या क्या सही क्रम से इसको बनेगा। जी हाँ, क्या क्या सही क्रम इसका बनेगा, इसको जोड़कर आपको बनाना है, बताना है। तो बताइएगा क्या इसका सही क्रम बनेगा, फटाफट आंसर कमेंट करके बताएंगे इसका सही क्रम क्या बनेगा।
जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। फटाफट बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा फ्रेंड। जी हाँ, हिंदी और संस्कृत दोनों की भाषा आपकी जो है, दोनों की भाषा आपकी देवनागरी है, दोनों की लिपि देवनागरी है, दोनों क्वेश्चन की लिपि देवनागरी है। जी हाँ, सकारात्मक सोच इसका विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए, सकारात्मक सोच ही जीवन है और उसके बाद सार्थकता है, या उसके बाद सार्थकता ही सार्थकता है, इसलिए क्या है विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला चलिए इस प्रकार क्वेश्चन को हम देखते हैं, अस्थाई भावों की संख्या कितनी होती है फ्रेंड, अस्थाई भावों की संख्या कितनी होती है। अगला क्वेश्चन है, अस्थाई भावों की संख्या कितनी होती है, 9, 10, 11, 12। तो जितने रस होते हैं फ्रेंड उतने अस्थाई भाव होते हैं, जितने सर्वमान्य रस हैं उतने अस्थाई भाव होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि रसों की संख्या 9 होती है तो 9 ही अस्थाई भाव होते हैं। संचारी भावों की संख्या 27 होती है, सॉरी संचारी भावों की संख्या 33 होती है, रस होते हैं 9 और जिससे अस्थायी भाव भी होते हैं 9। तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शांत रस का अस्थाई भाव पूछा जा रहा है फ्रेंड, शांत रस का अस्थाई भाव पूछा जा रहा है, तो शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद, या फ्रेंड शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद है, विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। डी इज द राइट आंसर, शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या उपनिषद में। तो छंद का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है फ्रेंड, फटाफट आंसर कमेंट करके बताएंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि छंद का सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। भाई छंद देखिए, ऋग्वेद जो पहला आपका पहला वैदिक कालीन जो ग्रंथ है ऋग्वेद, सर्वप्रथम इसी में छंद का जो है उल्लेख किया गया था। और छंद के प्रेरता पिंडल जी माने जाते हैं, आपके पिंडल जी जो हैं वो छंद के प्रेरता माने जाते हैं, इसलिए विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है, कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है, आंसर कमेंट करके बताएंगे। कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है, चरणों में, यति में, दोनों में ही, या इनमें तो कोई नहीं। बिल्कुल सिंपल था यह भी क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत सिंपल था क्वेश्चन है भाई जी, कि छंद जो होता है वह चरणों में व्यक्त होता है और यति में भी व्यक्त होता है, इसलिए विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर, सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, तो इसलिए विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये था कंप्लीट आज का क्लास फ्रेंड, आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। आज का ये हिंदी का प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन था फ्रेंड, आशा करते हैं कल से आपकी संख्या में और वृद्धि होगी, क्योंकि आप सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, सभी साथी जुड़ेंगे, और यहाँ से फ्रेंड निश्चित तौर पर आपकी सारी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। यदि आप इस क्लास से जुड़ते हैं तो आपको हिंदी जो सामान्य हिंदी की विषय वस्तु है उसकी एक अच्छी तैयारी आपको यहाँ से होने वाली है, इसलिए आप सभी लोग अपने सभी ग्रुपों में सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं कल के क्लास में, बने रहिए ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड बाय।